हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी जो है मॉर्निंग के 7:45 बज रहे हैं। मैं उठ गई थी 4:30 बजे, पर जो है वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि सुबह बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। बच्चों का नाश्ता, लंच पैक करना, हस्बैंड का भी नाश्ता और लंच पैक करना, तो मॉर्निंग का काम जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इस चक्कर में जल्दी जल्दी समझ में नहीं आता कि क्या करूं क्या ना करूं। तो इस चक्कर में कभी कभी वीडियो शूट करना भी भूल जाती हूं क्योंकि मॉर्निंग का काम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और जल्दी जल्दी भी करना पड़ता है। कहीं बच्चे लेट ना हो जाएं या हस्बैंड लेट ना हो जाएं, तो इसी चक्कर में वीडियो शूट करना भी जल्दी जल्दी में भूल जाती हूँ। तो मैं जो है अब एक गिलास सादा पानी पी लूँगी। ठंडा पानी नहीं पी रही हूँ मैं, यहाँ नॉर्मल पानी पी रही हूँ क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और मेरा गला ख़राब हो रहा है। हल्की फुल्की मुझे खांसी है तो उसकी वजह से मैं जो है ठंडा पानी नहीं पीऊँगी। बच्चों को और हस्बैंड को उनका लंच पैक करके उनको दे दिया है और उन्हें नाश्ता करा के भी भेज दिया है। और अब वही अपना डेली रूटीन का काम शुरू हो जाता है। मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में बेड शीट को सही करने के लिए। मैं बेड शीट को चेंज नहीं करूँगी, ऐसे ही झाड़ दूंगी किसी कपड़े से क्योंकि ये अभी ज़्यादा गंदी नहीं है और इसको अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए बिछाए हुए, तो मैं बेड शीट को अभी चेंज नहीं करूँगी। इस पर बच्चे सोते हैं, पता नहीं चादर को कैसे खराब कर देते हैं, रात भर घड़ी की सुई की तरह घूमते रहते हैं। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि चादर पर कितनी सिलवटें आ रखी हैं, इसकी वजह से देखने में भी चादर अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं इसे झाड़ के सही कर देती हूँ। सफाई अभियान का काम तो खत्म हो गया है, झाड़ू पोछा हो गया है, तो अब मैं निकाल लेती हूँ कपड़े क्योंकि मैं जा रही हूँ नहाने। तो गाइस, मैं आप लोगों से मिलती हूँ नहाने के बाद। तो गाइस, सबको मैंने चाय नाश्ता करा दिया है, तो मैं भी अपने लिए चाय बना लेती हूँ। आज मैं अपने लिए नाश्ते में मैगी बनाऊंगी। बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए भी मैंने नाश्ते में मैगी बनाई थी और लंच में मैंने सब्जी और रोटी रख दी थी, तो अब मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पानी चढ़ा दिया है चाय के लिए और इसमें अदरक भी डाल दी है और अब मैं इसमें डाल दूंगी चाय की पत्ती और चीनी। तो चलिए चाय को बनने देते हैं। और इधर ये थोड़े से मॉर्निंग में नाश्ते के बर्तन हो गए थे तो मैंने इनको धो लिया था, अब मैं इनको इनकी जगह पर लगा देती हूँ। एक गैस पर चाय बनने दूंगी और दूसरी गैस पर मैं मैगी बना लूंगी अपने लिए। तो मैगी बनाने के लिए मैंने दूसरा फ्राईदान निकाल लिया है, अब मैं इसमें बनाऊंगी अपने लिए मैगी। उसके लिए मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी फ्राईदान में,
मैं मैगी जो है सिंपल तरीके से बना रही हूँ, ज़्यादा तामझाम नहीं करूँगी मैं इसमें, मैं सिंपल तरीके से ही बनाऊँगी। तो मैंने बड़े चूल्हे पर जो है मैगी बनने के लिए रख दी है और छोटे चूल्हे पे चाय बनने के लिए, क्योंकि चाय का पानी तो जो है उबल गया है, बस दूध ही डालना है। तो बड़े चूल्हे पे मैगी जो है जल्दी बन जाएगी, तो इसलिए मैं बड़े चूल्हे पर मैगी बनने के लिए रख दूंगी। तो इसमें मैं सबसे पहले मसाला डाल दूंगी, मैगी मसाला, उसके बाद जो है मैगी डाल दूंगी। मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ, कभी कभी मैं मटर प्याज टमाटर डाल के बनाती हूँ, आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से मैगी को बनाऊंगी। तो इधर ये चाय का पानी बॉईल होते होते 5 मिनट हो गए हैं, तो अब मैंने इसमें दूध डाल दिया है और इधर ये मैगी भी बनना स्टार्ट हो गई है, मैगी में भी उबाल आ गया है। तो इधर ये चाय भी बनकर तैयार हो गई है और ये इधर मैगी भी बनकर तैयार हो गई है, एकदम अच्छे से पक गई है। तो अब मैं चाय को गिलास में छान लेती हूँ। मेरे घर पर चाय कुछ ज़्यादा ही पीते हैं, तो गिलास में ही हमेशा चाय को डालकर पीते हैं, क्योंकि कप में बहुत कम आती है। तो इसलिए मैं जो है चाय को गिलास में ही छान करके देती हूँ सबको और खुद भी लेती हूँ। तो अब ये देखिए मैगी भी मैंने सर्व कर ली है, तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं ये मैगी और चाय से। सो गाइज़, नाश्ता मैंने कर लिया है और मैंने कपड़े भी धो लिए हैं और अब मैं इनको फैला देती हूँ। अभी धूप है तो अच्छे से सूख जाएंगे, बारिश का कुछ पता नहीं है, मौसम ऐसा ही है, कभी भी बारिश शुरू हो जाती है तो कभी भी बारिश बंद हो जाती है, ऐसा ही चल रहा है 1 महीने से। कभी बारिश बहुत तेज़ होने लगेगी तो कभी कम होती है। तो अभी जो है कपड़े सूख जाएंगे क्योंकि तेज़ धूप निकली हुई है। सो गाइज, अब बच्चों के स्कूल से आने का हो गया है टाइम और दोपहर के खाने का भी हो गया है टाइम। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में मैं बनाऊँगी चावल और रोटी। तो यहाँ मैं चावल छोक कर के बनाती हूँ, आपने हमेशा वीडियो में देखा होगा। तो ये देखिए बच्चे आ गए हैं स्कूल से, मैंने आपसे बोला था स्कूल से आने का टाइम हो गया है बच्चों का। तो ये देखिए बच्चे स्कूल से आ गए हैं। कुकर में मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया था, अब मैं इसमें डाल दूंगी चावल। तो यहाँ मेरे बच्चे मुझसे कुछ बोल रहे थे तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी। तो यहाँ मैंने चावल जो है बनने के लिए रख दिए हैं, जब तक चावल बनेंगे तब तक मैं आटा मल लूंगी। तो गाइस, यहाँ आटा जो है खड़े होकर अच्छे से मलता नहीं है, तो मैं जो है आटे को अच्छे से नीचे बैठ करके मल रही हूँ। तो आटा जो है मैंने मल लिया है और अब मैं चपाती बना रही हूँ। तो ये देखिए रोटियाँ बनकर तैयार हो गई हैं और अब मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ। खाना लगाने से पहले मैं गैस और स्लिप को क्लीन कर लेती हूँ, तो गैस साफ करने की जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगी। तो अब मैं सबके लिए खाना लगा रही हूँ। खाने में मैंने सोयाबीन की सब्जी बनाई थी, ये मैंने सब्जी मॉर्निंग में बनाई थी लंच पैक करने के लिए बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए, तो मैंने थोड़ी ज़्यादा ही बना ली थी। तो जो है दोपहर में मुझे सब्जी नहीं बनानी पड़ी, चावल और रोटी मैंने बनाई थी। तो यहाँ देखिए मैंने ये चूरन बनाया है, ये चूरन बहुत ही अच्छा है, ये मॉर्निंग में पेट को एकदम साफ कर देता है। ये चूरन मैंने घर पर ही बनाया है, इस चूरन से गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। ये चूरन ऐसा है जो कहते हैं ना, पेट सफा हर रोज दफा। फ्रिज में एक खीरा रखा हुआ था, उसको भी हमने काट करके अपने खाने में शामिल कर लिया। वैसे तो 2 फ्रिज में खीरे पड़े थे, लंच में मैंने बच्चों को एक खीरा काट करके टिफिन में रख करके दे दिया था। करेले की सब्जी मैंने एक दिन पहले बनाई थी, तो करेले को मैंने अपने खाने में ऐड कर लिया। बच्चे करेले नहीं खाते हैं तो मैंने उनको करेला जो है नहीं दिया था। सोयाबीन की सब्जी और चावल और रोटी दे दी थी। तो यहाँ मैंने बर्तन भी साफ कर लिए हैं। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ अपने ढेर सारे प्यार के साथ मेरी वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर देना, और चैनल पर अगर न्यू जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए दोस्तों देखते हैं बच्चे अपने रूम में क्या कर रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बच्चे अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं स्कूल का, क्योंकि एडमिशन जो है इनका लेट हुआ था तो सिलेबस जो है काफ़ी आगे चला गया है, तो वही अपना सिलेबस जो है कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। इनका एडमिशन जो है सितंबर में हुआ है जाके, जबकि अप्रैल में एडमिशन शुरू हो जाते हैं। पूरा अप्रैल का महीना निकल गया, फिर 15 मई निकल गई, तो इस तरीके से 1.5 महीना हो गया। उसके बाद जो है पूरी जुलाई निकल गई, उसके बाद अगस्त भी निकल गया, तो 3.5 महीने हो गए। 3.5 महीने का इनका जो है सिलेबस कम्प्लीट करने को पड़ा है। तो कितने सब्जेक्ट का हो गया है सिलेबस विशाल? 3 सब्जेक्ट। कितने हैं विशाल बेटा, बताओ सब्जेक्ट कितने हैं? 6 सब्जेक्ट। एक को छोड़ दिया। अच्छा,
तो तीन सब्जेक्ट का इनका सिलेबस हो गया है और अभी तीन का रह गया है, और पेपर भी इनके नज़दीक आ गए हैं। पेपर कब है? 25 डेट को है, तो इसी 25 सितंबर से इनके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, और अपना ये सिलेबस अभी कंप्लीट कर रहे हैं, अभी इनका हुआ नहीं है। लेट एडमिशन होने के कारण जो है काफ़ी आगे इनका सिलेबस पहुंच गया है, काफ़ी आगे चला गया। चलो धीरे धीरे कर लो। वरुण क्या हुआ? करने तो दे रहे हैं, हम कौन मना कर रहे हैं, पूछ ही तो रहे हैं। तो चलिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, आप अपना काम करिए।